गर्मियों के मौसम में। और एक बात बोलना चाहूँगा कि शफिक भाई, अपन जो नए जो व्यूवर्स है उनके लिए कुछ बताओ टिप्स वगैरह कि जोड़ा कैसा लगाना चाहिए कैसा नहीं। देखो जोड़ा तो जैसा हम लगाते भाई अपनी पसंद से जोड़ा लगाते, जैसा मतलब अपने कबूतर ये अच्छा है, मतलब अच्छी नस्ल का है तो अच्छी नस्ल की माजी भी लगाते, उसको जोड़ा लगाते जी, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता, तो अच्छी चोटे का जी। अपने यहाँ से दूसरा मसला ये रहता है शफिक भाई, थोड़ा सा हमारे को है कि नहीं टूर्नामेंट के हिसाब से थोड़ी सी टिप्स दीजिए कि कबूतर कैसे उड़ाना चाहिए। देखो अलीम शाह भैया है, पानी साफ कर रहे हैं अभी, इनके भी बेटी का शुक्र करेंगे आपको। तो इनके यहाँ पे आने का जो रास्ता है बहुत ही मुश्किल है, ये देखो डरते डरते आना पड़ा, गिरने की बहुत संभावना है, बहुत डेंजर रास्ता है इनके यहाँ पे। ये शफिक भैया हमारे नीचे खड़े हुए, उनके मदद से आए हम यहाँ पे, तो ये पानी साफ करेंगे तो आपको शोक कराते कबूतर का। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये देखो यहाँ पे नदी है बालापुर की, ये रोड है यहाँ से, और ये पारस की जो चिमनी बोलती है इसको, बड़े बड़े यहाँ से धूल निकल रहा है, ये देख ये पारस है यहाँ पे, पारस में आते हैं वो दोनों भी। और ये किला सामने नज़र आ रहा है, ये नदी यहाँ पे देख सकते हो आप। ये हमारे शफिक भाई भी आ गए ऊपर, आपको थोड़ी देर में कबूतर दिखा दे खोल के, कबूतर खोल रहे, और इसमें भी कबूतर है इसके अंदर, पूरे बरसात के वजह से पैक कर दिए इन्होंने। और इनको भी टूर्नामेंट का शौक है तो नस्ल बनाने में इनको टाइम लग गया थोड़ा, तो इससे पहले उड़ाया अपन ने कबूतर जी जी अच्छा, तो इस साल उड़ाएंगे ये कबूतर, पहले जोड़ा का शौक कराएंगे। तो कौन से कबूतर है अपने पास? देसी कबूतर है, पूरे देसी कबूतर है। हाँ, पुराना वही टाइडी में जो थी ना। अच्छा, ये टेडी कबूतर में से एक है, ये पुरानी तो अपने पुरानी वाली है, कितनी खूबसूरत है इसकी। तो ये उड़ाए हुए अपन ने? हाँ ये उड़ाई है। पर बताना भैया इसके पूरा दिन ले लिया उसने, क्या बोले पूरा दिन ले लिया उसने, पूरा दिन ली हुई का, क्या बात है। देखो भाई पर शफिक भाई के घर के नस्ल में ट्रेनिंग है, उसको रात में पूरी रात उड़ी हुई है, क्या बात, लाइट लगा के, अच्छा धूम पे लाइट बांध के गिर बाजे, लेकिन रात भर उड़ी है। हाँ, लाइट बांध के उसकी धूम पे उड़ी। पैर बताना इसके, पैर बताना, देखो भाई। और इसका ये नर है क्या मादी? इसका नर है, ये नर है ना, देखो कितनी खूबसूरत बिंदी, देखो आंखों की कितनी छोटी कर रहा है। इसका क्या रिकॉर्ड है? तो इसका रिकॉर्ड ये है कि उसको अपन ने भी रोके रखा कि अपना आखिरी बचा भाई। अच्छा, इसको उड़ाया नहीं मैंने। देखो पैर, देखो इसके पैर बताने इसके। और इनके पट्टों का रिजल्ट वगैरह है अपने पास? हाँ, पट्टों का रिजल्ट है ना, उसके मादे है इसकी जो दिन दिन कम पड़ता हूँ, अगर अभी फेंकेंगे अभी दिखेंगे भी नहीं। इस साल जो उड़ाने वाले इसके पट्टे होंगे फिर उसमें जी, जोड़ा छोड़ के बताएंगे भाई आपको। टेडियों में से बनी हुई कबूतर है ये, और कबूतर बताएंगे आपको। ये दूसरा जोड़ लाए इन्होंने में से। अच्छा, ये हाँ हाँ, ये इसकी बेटी है ना, और ये शफीक भाई के गोल वाले में से कबूतर है पुराने। ये उड़ाए हुए अपने यहाँ पे? हाँ, इसकी क्या टाइमिंग रहा था? ये सबों के दिन कम पड़े गए, क्या बात है। पर बताना इसके, इसका सुबह 7 से तो रात के 9 बजे तक के, इतना देर कौन से महीने में? मई के अंदर ही बता रहा हूँ। ओके, बहुत ही हंकार कबूतर है। फिर बिता है कि हमको सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग देना पड़ता, 5 दिन। असल में कैसा हो जाएगा तुमको मालूम है कि मौसम है ना, कभी ठंडा हो जा रहा कभी गर्म हो जा रहा, तो मौसम के हिसाब से उड़ गया, उड़ गया। हाँ हाँ हाँ, समझे ना तुम बात। हाँ, धूप के अंदर अभी जो पीछे वापस बंद रहे थे ना, ठंडी गर्म बहुत अलग ही मौसम हो गया था, चेंज हो गया था ना। और ये देख सकते हो पीछे जंगल कितना है, तो अकोला से तो टेम्परेचर कम ही होगा ना इधर? नहीं, उतना ही उतना ही रहता है, अकोले से ज़्यादा रहता जी, नहीं उतना ही रहता। इसका क्या टाइमिंग रहा था? वो ये सब साथ के नहीं। हाँ, क्या
बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये दो की सांगड़ फंसी हुई है दोनों बहनें के साथ, दोनों एक दूसरे पकड़ उड़ी सर। अच्छा अच्छा, अरे मतलब एक संग ही उड़ते दोनों भी, क्या बात है जी जी। इसका बहन का भी शुक्र करेंगे आपको, देखो ऊपर गई है कलन, देखो मारी ये शौक आपको दूसरे के पास से लगाया या शफीक शफीक भाई ने लगाया? देखो देखो ये गोने गा रहे भाई, शफीक भाई ये गोने गा रहे, इनको शौक लगाने वाले तो मजा कर रहे थे। ये शफीक भाई को उस्ताद मानते हैं, बहुत ही बड़ी बात बोल दी इन्होंने जी। शफीक भाई से कबूतर बाजी आपने सीखी है ना? वही सुना था जी, गोल वाले में से। और बताना इसके पूरे कहीं चेन स्वभाव अपने पास चले गए ना, रख दिया। इनका टाइम क्या रहा है? तो इनका ही 12:30। अच्छा, ये 12:30 तक वो उड़ चुका है तो ये भी एक ही नस्ल में के है ना, गोल वाले में के? गोल वाले में के चाहिए, दो भाई देख के इसका टाइम। इसे पर बताना, पर देखो भाई काफ़ी चौड़े पर है इनके। ये जोड़ा है क्या भाई? भाई जोड़ा है। अच्छा जोड़ा है, देखो ये छोड़ के बताएंगे। ये भी ऐसे दुम क्यों काटे आपने आज? वो पानी के अंदर भरती ना जी जी, देखो भाई आपके यहाँ पे ऐसा पानी भरता होगा तो दुम काट दीजिए, इससे बीमारी वगैरह नहीं आएंगी कबूतरों में। देखो इनकी दोनों की माँ बैठी सामने, ये एक जोड़ा दिखा इन्होंने चीनी का, चीनी का वो जोड़ा ही बोलेंगे ना इनको। तो ये जो हरी माली बताए थे यहाँ पे बैठी है उधर के साइड में, तो उसकी बहन है। ये अलग अलग निकाले कलर तो बहुत, एक तो गजरा निकाले, हाँ एक गजरा भी निकाले हुए। बाप रे, देखो एक कलर के बच्चे निकाले उन्होंने। माँ बाप भी अलग अलग होंगे ना इनके? हाँ माँ बाप बाजने उठा लेते हैं। अच्छा तो देखो भाई पर देखो इनके पैर बताना, ये इसके पैर आग दिखाना फिर से एक बार, छोटी सिर की है, छोटी चोच है इसकी। चोच बताना इसकी, चोच भी काफ़ी छोटी है इसकी। देखो देखो चोच कितनी छोटी है इसकी। इसका नर का शौक करवाते आपको, ये शफीक भाई के हाथ से अपन शौक करवाएंगे। वही मनिया लो। अच्छा वो देख रहे थे 17 साल में जो पेटी पे गुटर रहा था वो नर का, इनके पास का जो चीना नर था ना पुराना 17 साल पुराना, उसका पट्टा ही है। देखो भाई आँख वगैरह पर बताना, इसके जो अच्छे कबूतर है उसके ब्रीडिंग ज़्यादा करके इनके पट्टे लेने से नस्ल भी बरकरार रहती है अपने पास और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। बराबर शफीक भाई, सही पैर बताना। और ये पैर ठीक है, इसको भी छोड़ के बताएंगे। ये देखो भाई खड़ा। अब कौन से कबूतर का शौक करेंगे? ठीक है, वो 17 साल पुराना कबूतर है, उसके बच्चे देखेंगे अभी। ये मनियाल वो 17 साल पुराना रहे, उसके पट्टे ही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे शफीक भाई? देखो ये बहुत पुरानी नस्ल है और ये हमारे जो शरीफ मामू थे आकुले वाले जी के पास के कबूतर थे। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका जी, और बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ऐसा बाजे के हमले की वजह से कबूतर जैसा ज़्यादा करके टूर्नामेंट में उड़े नहीं, लेकिन एक बार उड़ी थी पठान तो इसने पहली बार अपना नाम करी थी। क्या बात है, हाँ अपने घर से उड़ी थी। ये अभी इनके अलीम भाई के पास दिया, अब इनका फर्स्ट टाइम रहेगा उड़ाने का। अब देखते कभी मेहनत उनकी अच्छी रंग लाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश भी हाँ भी मिलेंगे। तो इसके पर बताना मादी के, देखो देखो भाई इसका क्या टाइम रहा? तो इसका टाइम 12:30-1:15 तक भी उड़ी मादी जी जी गर्मी में। ये नर का शुक्र कराएंगे अभी। देखो इसके पट्टे वगैरह है अपने पास अभी? नहीं बता आपको। हाँ इसके पट्टे हैं ना, ये चीनी एक ही निकाला हुआ है। देखो भाई कबूतर के पर पैर बताना, इसके वाइब्रेशन भी देख सकते हो आप, और लाल पंजे मादी के पंजे बताना, इसके भी लाल पंजे। देखो ये भी जोड़ा छोड़ के बताएंगे आपको, ये सिर्फ शौक के लिए सेल के लिए नहीं है ये वीडियो। अब शफीक भाई का पुराना तारा, शफीक भाई का पुराना तारा जी। देखो भाई शफीक भाई के यहाँ के कबूतर है,
जी, मतलब बहुत पुराने कबूतर, पुराने शौकीन है शफीक भाई। जी, इसके बच्चे उड़े थे 2018 में, वो मादी के साथ उड़ाए थे ना। हाँ हाँ, में तीन फर्स्ट नंबर मारे थे। बात ही देखो भाई, आग देखो कितनी खूबसूरत आग है इसकी, देखो बिंदी देखो कितनी बारीक कर रही है। और बताना इसके, और क्या कहना चाहूँगी इसके बारे में। ये मतलब देखो, हमने हैदराबाद के अंदर चार बच्चे दिए थे इसके, तो माशाल्लाह वहाँ भी उनके कबूतरों का फर्स्ट नंबर मारे थे। क्या बात है, हैदराबाद में किसके आ पे? हैदराबाद, उनका नाम तो नहीं मालूम, गाड़ी से आए थे, बोले भैया उड़ान के कबूतर होना। हाँ हाँ, तो उन्होंने लिए थे, मेरा ख्याल उनका नाम खलील भैया शायद। अच्छा, उन्होंने मारे थे शायद। जी जी, इसके बच्चे दिए थे उन्होंने चार, कल उन्होंने बच्चे थे चारों के चारों मारे थे। जी, हैदराबाद वहाँ भी फर्स्ट नंबर लगा था और अपने यहाँ भी फर्स्ट नंबर लगा था। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, नर की आग फिर से देख लो, जो आपने गुल वाले देखे थे ना, उनके साथ उड़ाई हुई थी। देखो भाई, ये उनका बाप है, हैदराबाद को गए इसके पट्टे। नर की खासियत देख सकते हो आप, जो आग है पर है। फिर से देखिए पीछे जाके वीडियो करके, इसकी मादी दिखाएंगे आपको अभी, तो इसकी खड़ान भी देख लो भाई आप ही, पर दिखाना रह गए थे, कोई बात नहीं। देखते पर ठीक है, इसकी मादी का शुक करेंगे आपको। हमारे संडे कबूतरों में से ताकि वाले बोलते हैं, ये क्रॉस में गई है शायद मादी। ब्रीडिंग वगैरह कर दी है? नहीं, हाँ ब्रीडिंग कर। ये भी यही मादी के पट्टे गए थे हैदराबाद? नहीं, अपने पास की मादी। अच्छा, तो अब उस दूसरी मादी थी उसको? हाँ, दूसरी मादी। ये मादी का क्या रिजल्ट वगैरह अपने यहाँ पे? ये और बताना, अब वही 12-12:30 बजे। अच्छा जी जी, देखो भाई वाइब्रेशन चालू कर दी है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। पैर बताना इसके, देखो भाई इसके पट्टे वगैरह आए अभी अपने पास? आए नहीं। ठीक है, पट्टा दिखाएंगे इसका आपको। देखो ये कबूतर है, नीचे आई जाए जी भाई। ये देखो शिकरन, शिकरन ही बोलेंगे ना इसको, इसकी आँख कौन सी बोलेंगे? ये वाली मोती आँख बोलते, मोती आँख। इसका क्या रिजल्ट वगैरह है फिर अपने पास? इसके बच्चों का रिजल्ट अपने पास में 12:15 बजे तक, 12:15 बजे तक। ठीक है, एक और बताना। छोटी साइज में, छोटी साइज के बच्चे बनाती है। अभी अमरावती में इसके 2 बच्चे दिया मैंने, तो मतलब माशाल्लाह उन्होंने ये दिनों के अंदर, ये तपन के अंदर मतलब रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 1 बजे तक। क्या बात है, वो भी 2 गली है, दूसरी गली में। अच्छा अच्छा, 2 गली के बाद। अमरावती में किसके यहाँ पे? अमरावती में फारूक भाई के लिए। अच्छा, फारूक भाई के यहाँ पे अमरावती में। मैं अपने से मुलाकात हुई थी उनसे, मोहब्बत हुई थी, तो अपन उनको गिफ्ट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, जो अच्छे कबूतर कोई बेचता नहीं, मोहब्बत नहीं मिलते अच्छे कबूतर। ये देख लो भाई, इसका नर समाजी है। और इसका नर है? नहीं है, ये नर है। हाँ, लेकिन इसकी माँ संगली है पिलंगी। हरा बच्चा बना जी जी। तो नर का रिकॉर्ड अपने पास 2 बजे तक के। ये 2 बजे तो उड़ा हुआ नर है इनके यहाँ पे। और बताना, अभी इससे पहले एक जोड़ा दिखा था अपन ने, वो हैदराबाद गए उसके पट्टे, उसका पट्टा है ना अपने पास? अंदर है, उसका पट्टा दिखाने का रह गया था। देखो क्रॉस में आ गया था। इसके पंजे, ये पंजे देख लो भाई, लाल पंजे। छोड़ देना इसको, वो हैदराबाद में भेजे थे वो उसके भाई बहन, दिखाना। देखो भाई, गलवे बोलेंगे ना इसको, गलवे का जोड़ है ये। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो कहना ही नहीं, इसको ट्रेनिंग पे जब निकाला था इसने तो मुंडी घुमा दिया था, लपा आ गया। अरे यार, हाँ इसका ट्रेनिंग निकली नहीं, फिल गई हुई। फिल हाँ, जो दूसरी नजर निकली उसके अंदर पता चलेगा। जी जी, इसके पट्टे वगैरह होंगे ना अभी? इसके पट्टे नहीं लगे, इसको मारी लगा। अच्छा, नया जोड़ा लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपन एक एक करके इनका शुक कराएंगे। देखो कैसा लगा जोड़ा, बताना। देखो भाई, इसका रिजल्ट नहीं है। ये घर का नर है या बाहर से लाए? बच्चा घर का बना। अच्छा, और ये नर मादी है? ये मादी है, ये नर है, ये नर है। देखो भाई, मादी का वजूद काफ़ी बड़ा है, नर की जैसी दिख रही। और बताना, ये कहाँ से लाए, कुछ आइडिया हो गया? वसीम भाई के पास से। जी, वसीम भाई के पास के। देखो भाई, वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी इन्होंने, काम गाँव के वसीम भाई, उन्होंने भेजा इनको गिफ्ट में। हालांकि नस्ल बहुत
वापसी है इसकी टेढ़ी के अंदर भी, ये कहीं गिरा नहीं। जी जी, घर वापसी जाया टेढ़ी के अंदर भी, इसको उड़ना भी मुश्किल है लेकिन घर वापसी हुआ। क्या बात है, कितना देर उड़ा था? 3 घंटे बाद में घर वापसी हुआ। अरे बाप रे, मतलब नीचे नीचे कहीं कहीं घूम रहा था। किसके बैठा है? जी जी, घर वापसी। बहुत बढ़िया। इसके पर बताना, ये पैर बताना, सॉरी पैर बताना, ये पैर देख लो भाई, इसके पैर नर का शोक कराएंगे आपको। देखो इसको सल्ला भी बोलते हैं ना। जी, सल्ले जो भी आपको मादी बताया आपने, संगली उसका बच्चा। जी, ये देखो भाई, इतने कलर के अंदर, एक मिनट, क्या बोले? इतने कलर के अंदर 3 घंटों के बाद वापसी हुआ था। बाप रे, बहुत ही बढ़िया कबूतर है। घर की वापसी अच्छी है, मतलब घर वापसी अच्छी है। और बताना इसकी कितने गली का होगा अभी? ये भी 9 गली का। जी, मतलब पट्टन पट्टेपन में ही है अभी तो। जी ठीक है, अपन ये छोड़ के बताएंगे जोड़ा। अरे का जोड़ा है, क्या कहना चाहोगे ये जोड़े के बारे में? ये मादी के बारे में कहना ये है कि जो सुबह 8 बजे हम खुलने के लिए आए थे, हाँ, हमारे बहन ने तो उड़ी थी, क्योंकि उसके बिचट के उड़ी थी, तो रात को 8 बजे हमारी बहन ने जोड़ी थी कि तुम्हारी मादी वापस आ गई। बाप रे बाप, इतने डेंजर कबूतर है भाई इनके। फोन आ रहे थे मेरे को जब ये मादी उड़ रही कैच के अंदर, मादी उड़ रही कैच के अंदर किसकी है, लेकिन अपने जाहिर नहीं करे कि हमारी, जाहिर करते मिलते नहीं। हाँ कबूतर, हाँ, नाम से कबूतर नहीं देते लोग। जी देखो भाई, इसके आँख का शौक, सवेरे से गायब थी, शाम को आई थी। माशाल्लाह, इसके बच्चे का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। क्या बात है। और बताना इसके, ये छल्ला मार दिया इन्होंने, टूर्नामेंट में उड़ाएंगे इसको अब? नहीं, इसके बच्चे को उड़ाऊंगा, इसके बच्चे के उड़ाएंगे। ठीक है, तो ये और बताना इसके, तो भाई सवेरे गई तो शाम को आई थी सीधा, बैठी वगैरह होंगी ना कहाँ पे ये? लेकिन किसी की थोड़ी नहीं था कि ये बैठी थी बीच में कि, लेकिन थिए पे नहीं पकड़ी गई, किसी के हाथों में नहीं आई। ये अच्छी बात है कि वह अच्छा कबूतर रही है, नहीं तो कोई देता भी नहीं था इसका नाम। ये नरे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये हरे तो मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है इनका, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये 12:30 गर्मी के फुल मौसम के अंदर उड़े हुए कबूतर है, और बाजी में भी उड़े हुए कबूतर है ये। जी जी, कब उड़े थे बाजियों में? ये 2018 में उड़े थे। क्या बात है, 2018 के टूर्नामेंट में उड़े हुए कबूतर है भाई ये। ये पैर बताना इसके, शफीक भाई ये अपने यहाँ घर की नस्ल है? हाँ, घर की नस्ल है ये, शफीक भाई के घर के पट्टे हैं भाई ये, इनको दिए इनके यहाँ पे शुभ करवाने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से शफीक भाई, आपने दोस्त को दिए कबूतर अच्छे वाले शुभ करने के लिए, कोई देता नहीं कबूतर अच्छे वाले। ठीक है, ये भी छोड़ के बताएंगे आपको खड़ान वगैरह। देखो ये देखो भाई, मादी की खड़ान देखो कितनी खूबसूरत है, दिखाई नहीं दे रही, छोड़ दे रहा था। अब कबूतर बहुत सारे इनके पास, तो सारे कबूतर आपको छोड़ के बताएंगे। छोड़ लो पूरे एक साथ, ये आखिरी जोड़ा देख लो भाई, भूरा नर, भूरा नर, ये हरी मादी, देख लो भैया उसके हाथ देख लो। इसकी क्या खासियत बोली? इसके बच्चों की 4 बजे तक की गारंटी है। क्या बात है, बच्चे बनाई गई। अच्छा जी, ये देखो भाई लाल आँख में। और बताना इसकी छोटी चोच, छोटी कटकाटी, पतले पर हो गए, पतले पर हो गए। मादी 3300 रुपये की मांगी भी गई हो? क्या बात है, 3300 रुपये की मादी मांगी सिंगल से? अमरावती वालों ने मांगी गए थे। और बताना इसके, तो एक नए जो अपने कबूतर है, एक जोड़ा आपके मैंने ऑब्जर्व किया, अच्छे जोड़े लगाए इन्होंने भी, अच्छे जोड़े लगाए। ये उसका नर है, भूरा, देखो भी शफीक भाई की नीलों में से ही, वही जी नीलों में। अच्छा, इसके पर बताना, इसका रिजल्ट वगैरह लिया अपन ने? इसका रिजल्ट है 1.5 बजे तक के बस। क्या बात है, गर्मियों के मौसम। और एक बात बोलना चाहूँगा कि शफीक भाई, अपन जो नए जो व्यूवर्स है उनके लिए कुछ बताओ टिप्स वगैरह कि जोड़ा कैसा लगाना चाहिए कैसा नहीं। देखो जोड़ा तो जैसा हम लगाते भाई, अपनी पसंद से जोड़ा लगाते, जैसा मतलब अपने कबूतर ये अच्छा मतलब अच्छी नस्ल का है, तो अच्छी नस्ल की मादी भी लगाते, उसको जोड़ा लगाते जी, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता, तो अच्छी जोड़े कबूतर जी अपने यहाँ से। दूसरा मसला ये रहता भैया कि हम 52 जोड़ा नहीं लगाते। अच्छा, 19-20 जोड़ा लगाते, 19-20 लगाते, 19-20 लगा दिए अगर, हाँ, अगर अगर वापसी नहीं रहती जानवर की, हाँ, वो मतलब लग गया तो फिर लग ही जाता पूरा,
मतलब तावबंद में जोड़ा नर और मादी में क्या देखा जाता है तावबंद लगाए तो? वो जैसे नर की उड़ान है 5 बजे तक की, हाँ, तो मादी लगाएंगे उसको 1 बजे तक की उड़ाएंगे जी, वो हो जाता है 19 बजे जोड़ा। 5 बजे उड़ने वाला नर उसको 5 बजे वाली मतलब मादी लगा दी तो हो जाता तावबंद जोड़ा, इसके ऊपर एक ताव आ जाता है, हाँ, वो जो बच्चा बनता है वो रहता फिर उड़ान के अंदर, उसको वापसी नहीं दिखती। अच्छा अच्छा ऐसा रहता है ना, ऐसा वो आँखों में परों में ऐसा कुछ मैटर करता है? नहीं देखते हमारे को, नहीं हम सिर्फ आँख देखने की आँख होती है जी जी, और पर मिलने की आँख जी। ठीक है भाई, इनके पास से हमने इतनी अभी माहिती तो ले ली, जानकारी ले ली अपन ने जोड़े कैसे लगाने कैसे नहीं, आप भी ट्राई करके देखो कैसा रिजल्ट मिलता है कैसा नहीं, तो सारे कबूतर आपको छोड़ के बताएंगे अभी, और जो कुछ एक दो यूनिक कबूतर होंगे तो उसका भी शौक करवाएंगे आपको, है कि नहीं? तो चलिए पेटी खोल रही है शफीक भाई हमारे। अरे उसके पैर देखना पीछे पैर दब गए, देखो भाई सारे कबूतर खोल दिए, लेकिन आपको एक दो कबूतर है इनके पास उनका शौक कराएंगे आपको। ये देखो भाई ये पिलंग का पसंद आया आपको, ये देखो किधर गया, ये देखो ये नर कितना खूबसूरत दिख रहा है जी। ये कबूतर के बारे में क्या कहना है वो? ये नर हाँ जीरो गली का गया था अपने घर से जी, मतलब बास के मारे में गिर गया था शहर के अंदर, पिलंग का गजरा है तो ये 6 महीने हो गए थे, उसको गया था अपने पास में बच्चे बने, हाँ जीरो गली के अंदर गया था बास पीछे लगी थी उधर जाके गिर गया था, हाँ तो इसको वापसी भैया 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आया ये कबूतर, पूरा नर बन के आया। बाप रे, किसके आप ही गिरा होगा, नहीं है क्या जंगली में फिरा था वो आया खुद, क्या बात है भाई, देखो वही नस्ल ठहर नहीं सकती है नस्ल, हाँ हाँ देखो घर के बहुत पक्के हैं, मतलब जीरो गली के अंदर तो कुछ भी समझ नहीं रहती कबूतर के बच्चों में, ये जीरो गली के अंदर जाके गिरा था और पूरा नर बन के आया, देखो भाई देखो 7 महीने के कबूतरों के आके बैठा था, ऐसा नहीं कि कबूतरों में आके बैठा, जब ठिया बंद था अपना जब आके बैठा था ठीक के ऊपर, फिर से आँखों का शौक करेंगे भाई अपन ये पीले आँखों वाले। इसके माँ बाप वगैरह है अपने पास? नहीं, ये अपने पास में जी, ये सामने आ रही है ना, ये माँ है, ये माँ। अच्छा ये पीली आँखों में माँ है इसकी, और ये पट्टा कौन सा है लालचीना हाथों में? ये जीरो गली के अंदर बन लग के आ गया बच्चा है। क्या बात है, बन लग के आया जीरो गली के अंदर, ओहो 3 घंटे बन लग कर आ गए, बहुत बढ़िया। इसको अब छल्ला मार के छल्ला मार के रख दिया, इसको रिंग के लिए तैयार करूँगा। ये इतने सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, ये कृपा किसके आपको किसके ऐसा नहीं इतने सारे आप गए, ये है शफीक मामू की मेहनत का, हम तो तरीके बताते रहते हैं, हम तरीकों पे काम करते हैं, देखो भाई साल मेहनत कर रहे हैं अलीम भाई, हाँ हाँ हमारा पुराने में और कबूतर बताने, देखो भाई शफीक भाई के मदद से कितने अच्छे अच्छे कबूतर, मतलब देखो ना पट्टा कितना सा है, ये देखो बच्चा कितना सा है, कितना छोटा बच्चा है, 3 घंटे वन में लग के आया है ये जीरो गली का, और ये पिलंग का जो दिखाया था आपको वो भी कितना सबसे पुराना में जागने का, ये देखो भाई शिकरन बोलेंगे इसको, शिकरन कुलवर शिकरन पुराने जागों में से, इसकी भी उम्र 14-1 साल हो गई, 14-1 साल की उम्र है जी जी, ये उनका भैया गुलवालों का, अच्छा अच्छी नजर इसलिए कैश में रखना पड़ रहा हूँ। इसके क्या रिजल्ट लिए था आपने? इसके रिजल्ट इसके बच्चों का रिजल्ट है जी, शफीक भाई ने बताया जी जी, और ये गजरा वही मनी आलम से, अच्छा देखो भाई मुझे लगा अकोला में सबसे अच्छे कबूतर, लेकिन मालूम गिरा कि अकोला के बाहर भी कबूतर अच्छे है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि कबूतर नहीं है अकोला के बाहर अच्छे वाले, लेकिन इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट इनके यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सुन के बहुत खुशी हो गई कि अच्छे कबूतर है अकोला के बाहर भी, और भैया ये दोनों माँ बेटे हैं, ये माँ बेटे है, देखो ये बेटी है ये माँ है, आपको मैंने बताया 7 महीने बाद में जो नर वापस आया पट्टे पने में गया था, इसका बेटा है ना, इसका बाप बाद में उठा लिया जी, इसकी तो आँख काली है जी, मकौ आँख में बने, कभी मकौ बनाती कभी पिलंगी बनाती कभी वाइट बनाती, अच्छा अच्छा कोई भी नर से लगा जी जी, बच्चों को रह गए माशाल्लाह एक नंबर की, वो जो आपको हरा कबूतर बताया था मैंने बैठा ऊपर वो गुटर रहा वो जी, इसका बेटा, इसका बेटा ही, वो देखो भाई इसका बेटा है ये मादी है ना, इसका बेटा है ये गुटर रहा है ये ऊपर,
देखो तो उधर से जंगली आके बैठा है। ये मादी का शुक्र है, ये इसका पट्टा आया था भाई 7 महीने के बाद, 0 कली पे भाग गया था। देखो 10 कली का होकर आया था। पर बताना इसके देखो भाई पर भी बहुत अच्छे, इन्होंने ब्रीडिंग वाले पैर के है कि नहीं, सीधा सीधा पैर पर जो है काट के रखे कि तो डबल नसल नहीं है ना, इसमें उनको बचा के रख रहे, इनके बच्चों को अपन लड़ाएंगे जी भाई। इसमें अपनी जो समझदारी है कि वो नसल बचा के रखे काट के रखे पर, लेकिन इसको छोड़ेंगे, इसकी बेटी का शोक कराएंगे आपको। देखो भाई इसकी पट्टन है, बेटी का रिकॉर्ड है 2:30 बजे, ये 2:30 बजे तक उड़ी। हाँ ये गर्मी में तैयार है, ये उड़ी मारी। अच्छा अच्छा, ऐसा भी की वजह से उनको ज़्यादा धक्का लगा वो उड़ रहे छन्नी मार। और बताना इसके देखो भाई, ये भी बाजा बहुत बड़े हमले कर रहे हैं ना, इस बार उड़ेंगी ये जी, उड़ेंगी जी। इसके पैर बताना देखो भाई, क्या बात है, बहुत ही उड़ान वाले अच्छे कबूतर है। एक चीना नर देखा था मैंने, वो गेट के पास दरवाजे के पास चीना है ना, हाँ। पेट को जरा वो दिखा ला चीना, हाँ ये वाला नर देखेंगे भाई अपन। और ये देखो ये हरा मको यहाँ पे जोड़ा गोल वाला नर, इसके रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट है? तो इसका ये पीलंग का दिखा, आप ये देख रहे अपन अभी, ये देखो भाई इसके जो पट्टन वगैरह होंगे ये बताएंगे। ये जो बच्चे अपना 0 गली के अंदर 3 घंटे उड़ कर आया, ये जोड़े का बच्चा देखो भाई, ये जोड़ा मैंने खुद डाला ठीक है भाई, नर आ गया तो सुक्के के अंदर जी जी पोजीशन मिल गया उन लोग जिसकी रख दिया जी। देखो भाई कितना खूबसूरत, 0 गली के अंदर 3 घंटे बन लग के आ गया। ये इसका पट्टा है ना, ये जोड़े ये पट्टा है भाई, 3 घंटे उड़ा था ये। देखो भाई फिर से आपका शुक करेंगे अपन, वाइट आँखों में आ गया ये पट्टा, मादी पे गया। और ये जोड़े का शुक करेंगे शफीक भाई, वो पट्टा छोड़ दीजिए, ये नर पहले नर से ही शुरुआत करेंगे भाई, नर बहुत पसंद आया मेरे को। देखो भाई आप ऐसा कुछ है पीले आंखों वाले सफेद आंखों में कुछ फर्क वगैरह? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आंख का कबूतर होता है ऐसा। अच्छा सिर्फ नस्ल मैटर करती है, एक और बताना इसकी। देखो ये भी उम्र दराज लग रहा है अच्छा कबूतर, नहीं ये जवान है, जवान दो ढाई साल, फिर भी 2-2.5 साल के ऊपर ही होंगे ना, बार कली झड़ा जी जी 2 साल का, 2 साल का हो गया लेकिन खरुच पे आया ना उसके वजह से लग रहा। वो इसके पर पंजे दिखाना, इससे पहले अपन ने पट्टी ली है इसके जी, वो पता बता अगर आपको एक ही पट्टा, ये पट्टा इसके अंदर मारो और ये इसके अंदर। देखो भाई ये नर के ऊपर गया कलर वगैरह, आग ढाकी मार दी मादी के लिए। तो ये मादी दिखाना, ये मादी के रिकॉर्ड कुछ लिए अपन ने जी, दिन दिन भर ये मादी कुछ रिकॉर्ड वगैरह लिया अपन ने, मादी दिन भर तक उड़ी, दिन भर तक उड़ी है, क्या बात। ये कहा की नस्ल है? तो ये हमारी जो गजरीमती बता था फोन टैडी करो, उसकी लड़की पहले। और ये नर, ये नर हमारे पास में आया था भैया कहीं से, पकड़ बच्चा आया, पकड़ा हुआ आया था। देखो भाई बचपन में उसको अच्छे मतलब ट्रेनिंग दी उसको, हाँ हाँ बहुत ही अच्छा। ये मादी का पैर का शोक करा ना, देखो भाई मादी के पैर, देखो पैर बताना इसके, छोटे वजूद में मादी भी, देखो जामुनी पंजे इसके, क्या बात। ये भी मादी छोड़ के बताएंगे अपन। तो बहुत सारे कबूतर देख लिए भैया हमने, ये लाल नर के है क्या अपने पास रिजल्ट वगैरह? ये गुटर रहा सामने, इसका बच्चा भी अमरावती, इसका बच्चा भी अमरावती गया है, क्या बात है। और ये उड़ा हुआ है अपने यहाँ पे नहीं, क्या टाइमिंग दिया इसने? अच्छा अच्छा, टाइमिंग वगैरह नहीं लिया लेकिन इसके बच्चे वगैरह उड़ते हैं भाई, उसके मादी उड़ी थी, इसके पर देख सकते हैं। वो नर का शौक करा ना भैया हमारे को, यही लाल वाले का, हाँ इसका शौक करेंगे भाई अपन। अरे देखो ये पानी बकेट में जा रहे सारे के सारे, ये सिर्फ पटपट करता है ना वो नर लाल वाला भड़काने के लिए जी, लेकिन बच्चे उड़ाता है वो है ना इसकी मादी। देखो ये पीली आंखों में ही लगाई उन्होंने मादी, मादी भी दिन भर उड़ी है। देखो ये टेढ़ी चोंच भी रिंग उड़ाने के लिए आ रहा है, ये भी उड़ेंगी रिंग में, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है मादी का, अभी नहीं भी इसलिए पर ऐसे दिख रहे।
देखो भैया अभी ये गिल्ले हो गए, ये देखो पानी में जा रहे कबूतर। तो ठीक है, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इनको लो भाई एक और मादी का शौक करेंगे अपन। धूप भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अभी 12 बज गए होंगे ना अभी। मादी की साइज़ है भैया 1 फीट, छोटी साइज है। गिरेबाज में आती है मादी, गिरेबाज में आती है। पंजाबी में बहुत ऐसे आते कबूतर छोटी सिर के, छोटी ये गिरेबाज में आएंगे भैया। इसे जो आपने तारा बताया ना हमने शफीक भाई का, उसकी बेटी है। अच्छा अच्छा, जो पुराना था मारी कितनी प्यारी है, बाप के ऊपर आई हुई एकदम छोटी सी शक्ल है। क्या उम्र होंगी इसकी? ये अभी कल 48 ने मतलब पूरे 10 पर मतलब 9-1 महीने की हो जाएगी। ये देखो भाई पंजे देखो, ठीक है। ये इसे कबूतर की लड़की बनी हुई है, ये बनी पता। और एक देखो ये भी जोड़ा अच्छा है, ये चीना भाग रहा वो पीछे पीछे है ना। तो इसमें कुछ कबूतर है, ये उड़ान वाले निकाले आपने ये सभी? ये देखो भाई ये भी निकल रहे अभी बाहर जी, ये बाहर निकल रहे भाई। ये पट्टे इन्होंने बनाए हुए टूर्नामेंट के लिए, इसका शो करवाएंगे आपको अभी। ये कौन सा, मद्रासी? जी मद्रासी। देखो भाई दस का देखो मद्रासी का, ये अकेला मद्रासी है सिर्फ? नहीं इसके माँ बाप भी है ना। जी इसके माँ बाप। ये कहाँ की ब्रीड है सर? ये शफीक भाई के पास की चाहिए। अच्छा, ये चोंच देखो भाई कितनी लंबी है इसकी, 1 इंच के ऊपर ही चोंच होंगी इसकी। 5-1 घंटे उड़ रहा है, 5 घंटे की। अभी नई नई ट्रेनिंग चालू हुई इसकी, 10वीं गली का है। तो शफीक भाई थोड़ा सा हमारे को है कि नहीं टूर्नामेंट के हिसाब से थोड़ी सी टिप्स दीजिए कि कबूतर कैसे उड़ाना चाहिए। देखो कबूतर तो पहले हम 0 कली से मतलब जो बच्चा निकलता 0 कली का, 1 कली का होता, 1 से 2 कली का, तो हम उसको ट्रेन करते 3-4 घंटे रुक उड़ा के उसको दम बना के नीचे रख देते, फिर बाद में उसके पूरे 10 पर हो जाते हैं बाद में उसको तैयार। ये आपने गिरेबाज का बताया या पंजाबी मद्रासी? कोई भी कबूतर का हमें। अच्छा, वो ट्रेनिंग मिलती है। जी जी, मतलब 3-4 घंटे कबूतर उड़ गया हाँ, कैच मार देते हाँ, बाद में उसको मौसम के हिसाब से तैयार कला देते। अच्छा ऐसा है ये। तो जो आपने चीना देखे थे उसका बेटा बड़ा हाँ, ये चीना श्रीलंका चीना देखे थे आप माँ के ऊपर आया था। देखो जो भैया रिंग के लिए तैयार होगा वक्त आने के ऊपर उसको कला दी जाएगी। इसके पर बताना इसका टाइमिंग वगैरह क्या लिया था अपन ने? इसका टाइमिंग 3-4 घंटे निकाल दिया हमने। अच्छा, फिर रोक दिए? फिर रोक दिए जी। ठीक है भाई, देख लो काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो। तो ऐसे कबूतर है हमारे अली साहब भैया के, ठीक है। कैसे लगे कबूतर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक अलवा कबूतर देख सकते हैं, और ये उड़ान वाले कबूतर टूर्नामेंट के लिए निकालने वाले हैं ये। ये ऐसे कबूतर हैं इनके गिरेबाज, और ये मद्रासी कुछ कबूतर बताए इन्होंने, ठीक है। कैसे लगे कबूतर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।